बाराबंकी से किसान आंदोलन की खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बताते चले, बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त संगठनों ने राष्ट्र आवाहन पर भारत बंद चक्का जाम का आवाहन किया गया था, जिसके सपेक्ष में बाराबंकी गृह दफ्तर प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक लोक शक्ति भारतीय किसान यूनियन अम्बावत भारतीय किसान यूनियन आम आदमी पार्टी के पद अधिकारियों संयुक्त कई भारतीय किसान यूनियन के अन्य संगठनों ने भी गृह दफ्तर में इकट्ठा होकर भारत बंद चक्का जाम करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनरल चैनल, आपके साथ में कुलदीप सिंह वर्मा। आपको बता दें बाराबंकी गन्ना दफ्तर में उपस्थित हूँ, यहाँ पे बता दें जो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे पूरा भारत बंद का आदेश था चक्का जाम का, जो सभी संगठन मिलकर जो भारत आह्वान बंद को लेकर जो यहाँ पे गन्ना दफ्तर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कलेक्टर ऑफिस जाना था वहीं आज गन्ना दफ्तर में ही उनको प्रदर्शन करने का प्रोग्राम सीमित कर रह गया है। और मैं दिखाना प्रसन्न दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे प्रशासन पूर्तियाँ मुस्तैद है, और यहाँ पे जो सारे संगठन 500 संगठन जो पूरा चक्का जाम करने का निर्णय बनाए हुए थे, उनको बाराबंकी जनता दफ्तर में ही उनका पूरा प्रोग्राम सिमट कर ही रह गया है। अजीत कुमार के साथ कुलदीप सिंह वर्मा, बाराबंकी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप जिलाध्यक्ष हैं, ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों ने ज्ञापन इस बात का दिया है कि केंद्र सरकार ने जो तीन काले कानून पारित किए संसद में, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो समस्त संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में हम लोगों ने जो है आज ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि आम आदमी ने संसद में और राज्यसभा में किसानों के बिल के विरोध को लेकर के पुरजोर ढंग से अपनी आवाज़ उठाई, और राज्यसभा में जबकि केंद्र सरकार का बहुमत नहीं था, उसके बावजूद ये काला कानून पारित किया गया। इसकी हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने घोर निंदा की थी, तमाम विरोध किया था, उनके समर्थन में तमाम सांसद आए, लेकिन ये बिल जो है अवैधानिक तरीके से पारित किया गया, जिसके लिए हम लोग अब किसानों के साथ इस बिल के साथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो बॉर्डर पे हमारे किसान संघ दे रहे हैं, हमने उनके खिलाफ उनको जब केंद्र सरकार जब जेल में डालने की तैयारी कर रही थी, उसमें हमारी प्रदेश वहाँ प्रदेश दिल्ली सरकार ने किसानों को जेल में जो है बंद न करने के लिए हमने विरोध पत्र लिखा कि हम किसानों को जेल में नहीं बंद करेंगे। ये हमारा कड़ा फैसला था जो है सरकार के खिलाफ, बहुत बड़ा गंभीर विषय था, जो गलत तरीके से राज्यसभा में पारित किया गया, जिसके खिलाफ हमारे सांसद संजय सिंह ने आवाज़ उठाई थी। उस समय जो है बीजेपी सरकार का राज्य सरकार में सभा में बहुमत नहीं था, तो आवाज़ उठाना जो है विपक्ष का काम होता है। हमारी संख्या बल भले कमज़ोर है, लेकिन हमारे तीन सांसदों ने जिस ढंग से आवाज़ उठाई, हमारे पीछे जो है अन्य विपक्षी दल जैसे समाजवादी हैं और भाजपा हैं, इन लोगों ने जो है उस बिल का समर्थन किया। समर्थन ऐसे किया कि उन्होंने लोकसभा में जब ये कानून बनाया जा रहा था, इन लोगों ने बहिर्गमन किया। इसका मतलब होता है ये कि ये बीजेपी के समर्थन में है या डर से। ने तो यहाँ पर रेजिडेंट आपको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन अभी हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया और उन्होंने बोला है इसको देख के, लेकिन अब क्या ज्ञापन देते देते तो हम लोग 10 महीने लगभग हो गए हमारे किसान से बोर्ड पे, लेकिन अब तो हमको उम्मीद भी नहीं लगती है कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक हम लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर चक्का जाम का आदेश बाराबंकी में कुछ देखने को नहीं मिला? नहीं, हम लोग थोड़ा किए, लेकिन छुटपुट किए, क्योंकि कारण क्या था, इसमें जनता को हम लोग तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम लोग थोड़ा उनको देखते हुए भी किया, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग। ठीक है। और असर बाराबंकी में काफ़ी असर देखने को मिला।